हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेवलोसेंस। ट्रेवलोसेंस के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ट्रेवलोसेंस के इस एपिसोड में हम लोग चलेंगे असम के डिफू शहर में, और ये डिफू लोकेटेड है असम के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग में, और डिफू कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिफू आने से पहले मेरा माइंड में भी काफ़ी सारे एजम्पशंस थे, पता नहीं डिफू कैसे होंगे, क्या सेफ होंगे कि नहीं, वहाँ जाने के लिए रोड कंडीशंस कैसे होंगे, और कौन सा प्लेसेस हम लोग विजिट कर सकते हैं। सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स ओवर हियर। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। असम के गुवाहाटी से डिफू के डिस्टेंस है नियर अबाउट 250 किलोमीटर, और गुवाहाटी से डिफू आने के लिए सबसे कन्वीनियंट वे है बाय ट्रेन। ऐसे तो गुवाहाटी से डिफू काफ़ी सारे ट्रेन आते हैं, बट उनमें से जोरहाट जनशताब्दी एक्सप्रेस सबसे कम टाइम में पहुँचा देते हैं। ये ट्रेन रेगुलर एक्सेप्ट संडे 6:10 AM को गुवाहाटी से निकलते हैं और अराउंड 9:45 तक डिफू पहुँचा देते हैं। और अगर आप लोग गुवाहाटी से डिफू बाय रोड आना चाहें तो मेन दो रास्ते से आ सकते हैं, एक तो डोबोका होके और दूसरा लामदिंग के रास्ते से आ सकते हैं, और फिलहाल अभी के लिए दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। और डिफू में स्टे करने के लिए आप लोगों को लिमिटेड होटल लाइक हम्बी, सिंहासन होटल, फ्लोटिंग ब्यूटी इन एसेट्रा होटल आपको रहने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं डिफू में आने के बाद आप लोग क्या क्या विजिट कर सकते हैं। डिफू पहुंचने के बाद आप लोग पहले विजिट कर सकते हैं लांगभाको वाटरफॉल, और ये डिफू मेन टाउन से अराउंड 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और डिफू से लांगभाको पहुंचने की जो रास्ते की नज़ारे हैं वो सच में बहुत ही औसम है। और अगर आप इस रेनी सीजन में जर्नी कर रहे हैं तो चांसेस है कि बारिश के बूंदों के साथ भी आपकी मुलाकात हो जाए। और अगर आप लोग लांगभाको वाटरफॉल विजिट करने आ रहे हैं तो मेरा टिप्स यहाँ पे यही रहेगा, या तो आप अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहन लें, और एल्स आप बेयर फुट ही पत्थर के ऊपर क्लाइंब करें क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं। लांगभाको वाटरफॉल विजिट करने के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं लोंगसोकांगथो इको पार्क, और ये डिफू से अराउंड 28 किलोमीटर दूरी पे है। और पॉपुलरली इस प्लेस को सिलोनी नाम से भी जाना जाता है, और ये बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और स्पेशली वीकेंड में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहते हैं। सिलोनी विजिट करने के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं तारालांगसू, और ये तारालांगसू डिफू में ही काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये तारालांगसू में ही एवरी ईयर कार्वी यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तारालांगसू के अंदर आप लोग काफ़ी सारे चीज़ देख सकते हैं, जैसे हेलीपैड देख सकते हैं, यहाँ के पार्क में आप लोग घूम सकते हैं और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और तारालांगसू के अंदर सबसे पॉपुलर है कार्वी हेरिटेज म्यूजियम नॉथेंगपी, और ये नॉथेंगपी विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है इवनिंग आवर्स, क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पूरे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी और वाटरफॉल्स के लिए जाने जाते हैं, और उन वाटरफॉलों में से एक है कांगथिलांगसो वाटरफॉल, और ये एक इको टूरिज्म पार्क है और एक पिकनिक स्पॉट भी है। इवन तो डिफू से डिस्टेंस कांगथिलांगसो का डिस्टेंस अराउंड 95 किलोमीटर है, अगर आप लोग गुवाहाटी से डोबोका के रास्ते से आते हैं तो डोबोका से ओनली नियर अबाउट 25 किलोमीटर होते हैं। तो डिफू पहुँचने से पहले ही
आप लोग ये वाटरफॉल विजिट करके आ सकते हैं। और डिफू में घूमने के लिए नेक्स्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन है आर्बोरियम कम क्राफ्ट सेंटर। ये क्राफ्ट सेंटर रिसेंटली डेवलप किया गया है और अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेल मेंटेन लैंडस्केप और बच्चों के खेलने के लिए जगह है। और अगर आप लोग कार्बी ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह लेना चाहें तो भी इस क्राफ्ट सेंटर में खरीद सकते हैं। और ये आर्बोरियम और क्राफ्ट सेंटर विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। अगर आप लोग डिफू घूमने आए हैं और एक नॉन वेजिटेरियन है देन डेफिनेटली आप लोगों को डिफू के स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहिए। सो होप हमारे इस एपिसोड से आप लोगों को डिफू के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिले होंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ एक नए प्लेस में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।